आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिला गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर के थ्रू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका येडियुरप्पा को एक मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें मेमोरेंडम में जिक्र किया गया है कि 17 सितंबर को जो जश्न आज़ादी बनाए जाते हैं उस आज़ादी को टोटली मनसूख किया जाए, इसलिए कि है ना पिछले 6 सालों से तेलंगाना की हुकूमत ने इस जश्न आज़ादी को ख़त्म कर दिया है। यौम इंजमाम कहो या विमोचना दिवस कहो, जो भी कहना है कहो, लेकिन इस तरीके से आज़ादी ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ आज़ादी है। ये मुसलमान जो 2 लाख जो मुसलमान 2 लाख से ज़्यादा मुसलमान इस पुलिस एक्शन में शहीद हुए हैं 17 सितंबर की 1948 में। हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से हम येडियुरप्पा से मुतालबा करते हैं कि ऐसे जो 17 सितंबर को जितने भी तकरीब हैं वो तकरीब को है ना इलाके हैदराबाद कर्नाटक से मनसूख करें, ताकि उस बजट को कोरोना के पेशेंट्स को जो आज वो बड़े मुश्किल में आए हैं, कर्नाटक हो या पूरे मुल्क हो, वो कोरोना के बीमार हैं, उस ये फंड को है ना उसमें इस्तेमाल करें, ताकि है ना तो मरीजों को है ना हमदर्दी करने में हासिल हम हमदर्दी करें। इसलिए आज हम डिप्टी कमिश्नर के थ्रू येडियुरप्पा को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं।